है ना एकदम क्रिस्पी, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपली लजीज। आज मैं शेयर करने वाली हूँ वेज कटलेट्स की रेसिपी, जिन्हें बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और आप किसी भी पार्टी में एज ए स्नैक्स इन्हें सर्व कर सकते हैं, और ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। आप इन्हें आराम से प्रिपेयर करके फ्रिज में रख सकते हैं और जब चाहे तब फ्राई करके इन्हें सर्व कर सकते हैं, और ये एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। इसके ऊपर की जो कोटिंग है वो एकदम क्रिस्पी है। तो चलिए अब हम रेसिपी देख लेते हैं। इंग्रेडिएंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। कटलेट्स बनाने के लिए हमने यहाँ पे 5 से 6 आलू को बॉईल करके लिया है और अब हम इन्हें मैश कर लेंगे। बहुत अच्छे से हमको इन्हें मैश करना है, बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ प्याज, हरा धनिया और ग्रीन चिलीज। और मैंने यहाँ पे बॉईल करके 1/2 कप बॉईल मटर ली हुई है। और अब इन सारी चीज़ों को हम इन मैश पोटैटो में ऐड कर देंगे। और हमने ये मटर भी इसमें ऐड कर दी है। और उसके बाद यहाँ पे हमने ब्रेड क्रम्स का यूज़ किया है और ये हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है 1 TSP ज़ीरा पाउडर, 1/2 TSP हींग, 1 TSP ज़ीरा और 1 TBSP मैंगो पाउडर, आमचूर पाउडर, 1/2 TSP रेड चिली पाउडर, 1/2 TSP अजवाइन, 1/2 TSP गरम मसाला पाउडर, 1 TSP कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर और 1 TSP यूज़ किया है पिज़्ज़ा सीजनिंग। और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। और अब मैंने अपने हाथों पे थोड़ा सा तेल लगाकर कटलेट्स के शेप्स तैयार कर लिए हैं। देखिए मैंने सारे कटलेट्स तैयार कर लिए हैं। आप कोई भी शेप इन्हें दे सकते हैं, जैसा भी आप चाहें। और अब मैंने यहाँ पे एक बाउल में मैंने कॉर्नफ्लोर का यूज़ किया है, 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर और 3 बड़े चम्मच पानी के साथ में मैंने कटलेट्स के लिए कोटिंग तैयार की है। देखिए ये बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए जिससे ये अच्छे से कोट हो जाए। और अब मैंने यूज़ किया है यहाँ पे रवा, 1/2 कप रवा अभी मैंने यूज़ किया है। अगर आपको और भी ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो आप और भी ज़्यादा ले सकते हैं। और अब मैंने कटलेट को इसमें डिप किया है और अच्छे से कोट कर लिया है। पहले हम कॉर्न स्टार्च की कोटिंग करेंगे और उसके बाद हम इसमें रवे की कोटिंग करेंगे। रवे की कोटिंग से ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। और अब हमने इन्हें रवे में डिप किया है, कोट कर लेंगे हम इसे अच्छे से। हमें इस पर कोटिंग करनी है। अगर आप अच्छे से कोटिंग नहीं करेंगे तो ये फट सकते हैं तलने में, तो याद रहे कोटिंग एकदम बढ़िया होनी चाहिए। और अगर आपके पास कॉर्न स्टार्च नहीं है तो आप मैदे का यूज़ भी कर सकते हैं। अब देखिए बिल्कुल तैयार हैं फ्राई होने के लिए। मैंने सारे कटलेट्स को कोटिंग करके रख लिया है, सारे कटलेट्स को प्रिपेयर कर लिया है। और अब आप इन्हें फ्रिज में भी रख सकते हैं और चाहें तो आप इन्हें तुरंत फ्राई कर सकते हैं। यहाँ पे हमने तेल लिया है, इसको अच्छे से गर्म कर लिया है हमने। और अब हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे। याद रहे जब आप इन्हें फ्राई करते हैं ये तो पूरी तरह से ये इसमें डूबे रहें, अदरवाइज ये फट सकते हैं। और इन्हें बिल्कुल हल्के हल्के से फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा इसको हिलाना नहीं है, अच्छे से फ्राई करना है। और तेल अच्छा गर्म चाहिए हमें इसके लिए। आप देख सकते हैं एकदम गोल्डन, जब ये गोल्डन कलर ले आएंगे तब हम इन्हें निकाल लेंगे। अब ये बिल्कुल तैयार हैं। और अब आप इन्हें एब्जॉर्बेंट पेपर पे निकाल लें। देखिए
इसी तरह से हम सारे कटलेट्स को फ्राई कर लेंगे। मैंने यहाँ पे गोल शेप के बनाए थे, ये भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। मैं इसी तरह से इनको फ्राई करना है और इस एब्जॉर्बेंट पेपर पे निकाल लेना है। और अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा क्रिस्पी हैं। ये बिल्कुल क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। आप इसे किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ये थी मेरी कटलेट रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।